मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को अपने गुड़ी पड़वा संबोधन में एक क्लिप चलाया और दावा किया, मुंबई में माहिम तट पर एक अवैध दरगाह बनाई गई है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह किसकी दरगाह है, क्या यह मछली की है, यह 2 साल पहले नहीं थी। अगर अवैध निर्माण को तुरंत नहीं गिराया गया तो हम उसी स्थान पर एक विशाल गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे। राज ठाकरे के बयान के बाद सरकार और पुलिस ने तुरंत जांच करनी शुरू की। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के ईशान मुंबई के जिला अध्यक्ष सिराज अहमद ने कहा, राज ठाकरे एक बड़े नेता हैं, उनके कहने पर तुरंत एक्शन होता है, तो बाकी मुद्दों पर चुप्पी क्यों साधे राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे साहब का भाषण मैंने देखा, अच्छा लगा कि राज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल स्टेज पे लाखों पब्लिक के बीच में कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात किया और अजान के ऊपर बात किया, ये बहुत सारी बात की। राज साहब को आवाज़ सुनते ही प्रशासन जाग गया और इमीडिएटली माहिम की जो जगह है, शायद राज साहब को मालूम नहीं होगा, जिस जगह के राज साहब बता रहे थे वो भाषण उनका देखा, तो वो जगह पर बाबा मखदूम पिछले 600 साल पहले जब आए थे तो उस जगह बैठकर वो वहाँ पर जो है पढ़ाई किया करते थे, इबादत किया करते थे। वो उसको उस जगह को कोई ना ही वो मंदिर है, ना ही मस्जिद है, ना ही दरगाह है, वो एक स्पेशल एक मुकाम है, एक जगह है जहाँ वो बैठ के इबादत किया करते थे। वो छोटी सी जगह है और अकीदतमंद लोग, चाहने वाले लोग, बुजुर्गाने दिन को जो फॉलो करते हैं वो उस जगह जाके सोचते हैं, और हमारा मानना है कि जहाँ पर वलिए बैठते हैं वहाँ पर रहमत बरसती है और उसका फ़ायदा हमारे को भी होगा, हमारी दुआएं भी उनके ज़रिए कबूल होगी। लोग ये सोचकर जाते आते हैं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट कहीं भी नहीं है। आप देखोगे जब 600 साल हो गया तब नहीं किया गया तो अब क्यों होगा, पहली बात ये है। सेकेंड बात है कि राज साहब ने जैसे ही उस बात का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा निडर शेरदिल आदमी नेता है अपने महाराष्ट्र में कि जिसके एक बात बोलने पे, मुझे रात को बाला साहब ठाकरे की याद आ गई जब मैंने 1:30 बजे न्यूज़ वापस से देखा, तो इमीडिएटली पुलिस का एक्शन हो गया, इमीडिएटली पुलिस जाके पूरा घेराव कर ली और सारी चीज़ का तफ्तीश शुरू कर दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राज साहब जैसे लोग हैं जो जिनकी बात चलती है आज भी उनका सिक्का चलता है। तो मेरा कहना है राज साहब से कि आपने जो मुद्दा उठाया ना कि हिंदू मुस्लिम और ये सब छोड़ के ये सब को दरकिनार करते हुए, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं, ना कि हिंदू और मुस्लिम। सबसे पहला मैं देशवासी हूँ, बाद में मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ। तो मेरा सोच यह है कि राज साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है आज महाराष्ट्र को। राज साहब ने ये करना चाहिए, जैसे आज रोज़गार का बड़ा मसला है, एजुकेशन का मसला है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस का सिलेंडर बढ़ गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन देखो आप दिन ब दिन आज हर डिपार्टमेंट में, आप गवर्नमेंट में कहीं भी चले जाओ, महाड़ा में जाओ, MMRDA में जाओ, BMC में जाओ, गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी में आप जाएंगे तो आपको करप्शन है। बगैर 100-500 रुपये लिए प्यून भी फाइल आगे नहीं करता आपका, हमको बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं, हम रोड पर आएंगे, पार्टी और जात धर्म छोड़ के हम आपको फॉलो, हम आपको पीछे साथ में रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, हम आपके साथ में रहेंगे। राज साहब ने एक अच्छा मुद्दा उठाया था जो था टोल नाके का। हम लोगों को तो लगा पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र के टैक्स, टोल नाके का जो भी टैक्स लगता है वो माफ़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या बात है राज साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि सर क्या बात है, आप जैसे बुलंद कद्दावर नेता जिसकी एक जबान पे कल एक पुलिस का पूरा महकमा, पूरी गवर्नमेंट हिल गई और इमीडिएटली वहाँ पर जब एक घेराव कर देती है उस जगह का और जाके चेक करती है और कौन है क्या है उसके ऊपर, आज पूरा दिन भर, आज भी दिन भर एक्टिविटी चल रही थी। तो इतना अच्छा मुद्दा जो लोगों को हकीकत में लोगों को राहत देने वाला मुद्दा था, आज टोल नाका भरते भरते लोगों की हालत ख़राब होती, कम से कम एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए गैस का, गैस का सिलेंडर का मसला है,
रशियन का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे पर भी आप बात कीजिए तो लोग आपके पीछे आएंगे, और आज के जो नौजवान पीढ़ी है वो भी आपके पीछे आएंगे, और हमारे से जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, हम लोग पार्टी और ये छोड़ के हम भी आपके साथ आ सकते हैं ना, क्यों जाएंगे? क्योंकि ये मेरे महाराष्ट्र की बात है, ये मेरे देश की बात है, मैं देश के लिए पहले सोचूंगा, बाद में अपने लिए, बाद में अपने बच्चों के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरा देश अच्छा रहेगा, मेरा महाराष्ट्र अच्छा रहेगा, मेरा मुंबई डेवलप रहेगा तो मैं भी डेवलप ही हो जाऊँगा। अगर मुंबई डेवलप नहीं होगा या महाराष्ट्र डेवलप नहीं होगा, मेरे बच्चे एजुकेशन नहीं लेंगे, मेरे मुंबई के बच्चे अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो कैसा हो डेवलप, कहाँ हम लोग डेवलप करेंगे? एजुकेशन फर्स्ट चाहिए। मेडिकल का प्रॉब्लम है, मेडिसिन आप जाओ BMC, सिर्फ आप नाम के लिए हर BMC में भी हर जगह पैसे लगते हैं, बाहर की डायरेक्ट चिट्ठी देते हैं, आप उस पर कभी क्यों नहीं बात करते? गैस सिलेंडर पर क्यों नहीं बात करते? आपका इतना पावर है, अरे हमने आपके अंदर, हम बाला साहब ठाकरे को देखते हैं, माननीय बाला साहब ठाकरे का भी यही अंदाज था, एक बार तो बोल दिया मुंबई बंद तो बंद, तो फिर आप में भी वो क्वालिटी है तो आप क्यों नहीं उसका सही यूज़ करते? आप भी, मैं समझता आपने कल बोला कि मुझे एक मरतबा मुख्यमंत्री बनाओ, देखो मैं कैसा करता हूँ, मैं तो चाहूँगा आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारा देश भी सुधरे, लेकिन आपको उसके लिए आपको भी घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको भी लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और लोगों की ये समस्या समझनी पड़ेगी। खाली BJP के बातों पे सुन के या उद्धव ठाकरे का क्या मसला है वो छोड़ के देश हित के, महाराष्ट्र हित की, मुंबई हित की बात करनी होगी।